तो गाइज़ बार बार मेरे इसमें कभी मैसेज आ रहा है, कभी फ़ोन आ रहा है, तो मेरी वीडियो रुकती जा रही है बार बार। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। देखिए इतने लंबे लंबे यहाँ पे पूरी एरिया आपको देवदार के पेड़ों से ही भरी पड़ी मिलेगी। और थक गए यार हम दोनों जने। अभी आज सवेरे बहुत अनहोनी टाइप की हो गई थी हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये देखिए मेरे सुंदर से चांद से चेहरे को दो दाग मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी सवेरे मेरे साथ। सब्जी छोंक छोंक के मेरे सब्जी छोंक रही थी मैं, तो एकदम से तेल के छींटे पड़ गए थे। गाइस आज तक तबीयत थोड़ा ढीली ढाली चल रही है मेरी, तो एकदम से तेल के छींटे पड़ गए थे मेरे, तो मुँह में दाग पड़ गए दो, क्योंकि शायद चेहरा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है मेरा। तो गाइज़ मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे अपनी कि पैसे कितने पड़े क्या पड़े, और आप देख के अनुमान लगा लीजिएगा कि दो सेट हमारे इतने में पड़े हैं। फिलहाल चल रही हूँ यार ऐसी, बहुत ज़्यादा दूर है मतलब शारदा स्कूल। अभी मैं और मेरा बेटू जी चल रहे हैं ऐसी। यहाँ इस साइड के एरिया में आपको ज़्यादातर देवदार के पेड़ ही दिखेंगे, मतलब लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया है। मैंने सोचा था वीडियो भी बनाऊंगी, मैंने अपने बेटू जी से बोला भी था कि मेरी वीडियो बना दो, लेकिन ये बोल रहे थे आते समय बनाएंगे। और अभी ऐसा चल रहा है ना हम दोनों का कि बस घर कैसे पहुंच जाएं, क्योंकि इतना भारी हो रहा है ना इस सेट, मैं बता नहीं सकती आपको। होने को तो यार बाइक भी है हमारे पास, कार भी है, और दोनों चीज़ हमारी अपनी अपनी जगह पर खड़ी है, और हम दोनों माँ बेटे पैदल पैदल भटक रहे हैं। ठीक है सर, गाइज मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी हमारे बेटू जी बोल रहे हैं इसको बुलाते उसको बुलाते, और हम किसी को नहीं बुलाते। हम अपने ये जो हमारी दो गाड़ियाँ चल रही हैं दो पहिए की गाड़ी, हम इसी पे अपने घर को जा रहे हैं। बाइक मेरे को चलानी नहीं आती, तो जाहिर सी बात है मेरे बेटे को भी चलानी नहीं आती होगी, और कार की तो हमने शक्ल देखी नहीं है। एक बार खाली स्टेयरिंग में बैठी थी खाली, और दूसरी बार मैंने ट्राई करा नहीं। और जल्द ही मैं सीखूंगी बाइक चलाना, बाइक चलाने की कोशिश भी करी थी एक बार, हस्बैंड जी ने शारदा स्कूल में ही चलाना बताया था बाइक। तो यार कंटिन्यू अगर कुछ भी काम ना करो तो आता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं भटक रही हूँ यहाँ देवदारों के जंगलों में, और देखते हैं कहाँ तक हम कब तक पहुँच सकते हैं। होने को जितने भी बाइक वाले या कार वाले या फिर बुलेट वाले जा रहे हैं, तो मन तो कर रहा है हम दोनों माँ बेटों का कि इसको उतारे और अपना बैठ जाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलना तो ज़िंदगी ही है। अभी फ़िलहाल हम पैदल पैदल निकले हैं रास्ते को, और हाथ बदल बदल के रुक रुक के जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद देखती हूँ कहीं पे होगा, तो मैंने अपने बेटू जी से बोला था उस टाइम कि आइसक्रीम खा लो, लेकिन मेरे बेटू जी ने कहा नहीं मैं आते समय खाऊंगा। अब ये आते समय में इतना भार पड़ा है हाथ में, देखते हैं अब कैसे खाएंगे आइसक्रीम। और फिर ऐसे चलते चलते थकान भी लगी रही है। आपको एक ये भी दिखाती हूँ, लोकेशन में मुझे एक चीज़ दिखी, देखिए देवदारों के जंगलों के बीच में इतना प्यारा सा वो है, ये पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, गेस्ट हाउस है या स्कूल है ये मुझे पता नहीं है, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं आपको चलते चलते की वीडियो दिखाऊंगी कि हम कैसे चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। तो गाइस बीच में हमारा एक मंदिर पड़ गया था, मैं आपको खाली बाहर से ही मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे लिखा था, होने को मैं इस मंदिर में कभी आई नहीं हूँ, वैसे लिखा है यहाँ पे रत्नेश्वरी मंदिर अल्मोड़ा, और कभी भगवान चाहेगा तो मैं आपको अंदर से भी दर्शन करवाऊँगी इसके। फ़िलहाल अभी बारिश लगने लग गई, तो हम सीधे धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि यार किताबें भीग जाएंगी।
तो गाइज़ यहाँ पे एक मंदिर और दिख रहा है हमें, श्री सिंह नरसिंह बद्रीनाथ। और ये देखिए कैंटीरिया भी दिखाती हूँ आपको। ला क्या ले रहा है, आइसक्रीम ले रहा तू?